बेसमेंट में कोई भूत है, कोई वैम्पायर है या कोई ज़ॉम्बी है। अस्सलाम वालेकुम जेड फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू जेड सीनी। आज की वीडियो है बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे। जी आज हम पहली दफ़ा अपने चैनल पे लेकर आए हैं एक स्पूकी वीडियो। हम सॉल्व करेंगे मिस्ट्री रीडल्स और बहुत ही स्पूकी एटमॉस्फेयर होने वाला है। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट होने लगी है और पहला है जी किडनैप वैम्पायर। समवन किडनैप्ड द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली। इट वाज अ 300 इयर्स ओल्ड। जी वैम्पायर है तो 300 इयर्स उसकी एज है। और द किडनैपर कंटेक्टेड हिज रिलेटिव्स एंड डिमांडेड अ बैग ऑफ गोल्ड। वैम्पायर के लिए आई थिंक कोई मुश्किल नहीं होगा गोल्ड जो है वो प्रोवाइड करना। द हेड ऑफ फैमिली वाज फ्यूरियस, भी बड़ा गुस्से में है एंड कॉल्ड द पुलिस। पुलिस को भी कॉल कर दी गई है। एंड इवन वैम्पायर्स गेट स्केयर्ड, इतना स्केरी ये हो चुका है वाकया। द डिटेक्टिव क्वेश्चन 3 सस्पेक्ट्स। जी किस किस पे शक है? एक जैमी जॉम्बी पे, एक एलन क्लाउन पे। क्लाउन तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है, ये नहीं लगता कि इसने कोई किडनैप किया होगा। एंड माइकी गार्ड, ये इंसान है लेकिन ये माइकी गार्ड ही आई थिंक किडनैपर है। वो देखें नीचे भी निशान है जैसे किसी वैम्पायर के हाथ का और कैसे वो स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। तो आई थिंक माइकी ही है किडनैपर। हु इज़ द किडनैपर? ये जोम्बी को देखें, जैमी कुडेंट ओवर पावर है वैम्पायर विद ओनली वन आर्म। हाँ उसका एक ही हाथ है, उससे वो क्या पकड़ेगा। इवन इफ द वैम्पायर 300 ईयर्स ओल्ड, तो चाहे वो बूढ़ा भी है तो भी। एलन इज़ जस्ट अ क्लाउन, एलन भी नहीं पकड़ सकता। लुक इज क्लोज माइकी एंड शूज आर टॉन क्ला मार्क्स। माइकी इज़ अ वेयरवुल्फ। अच्छा ये वेयरवुल्फ है एंड वैम्पायर आर हिज नेचुरल एनिमीज। तो वैम्पायर को उसने माइकी ने ही पकड़ा है, मेरा गैस बिल्कुल सही था। अब ये कहाँ जा रही है छोटी सी वैम्पायर? ट्रैप्ड वैम्पायर। आई थिंक ये नेक्स्ट रिडल स्टार्ट हो रही है ट्रैप्ड वैम्पायर। इसमें वो छोटी सी घर से बाहर जा रही है अकेली, क्या करने जा रही है, किसी ने उसको रोका भी नहीं है। इसका नाम है कैरी। कैरी इज़ अ यंग वैम्पायर। इट वॉज अ फुल मून नाइट। अच्छा फुल मून है और शी वेंट फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट। बड़े आराम से जा रही है, चहलकदमी कर रही है टू क्लियर हर हेड। छोटी सी वो वैम्पायर है, उसके दिमाग में भी टेंशन चल रही है। देखो ज़रा आउट ऑफ नो वेयर अ हरिकेन स्ट्रक। एक हरिकेन आ गया। कैरी हिड इन एन अबंडेंट हाउस एंड वाज सडनली ट्रैप। किसने उसे कहा था कि वो आधी रात को घर से बाहर निकले? भी वैम्पायर है लेकिन है तो छोटी वैम्पायर। वो जो हरिकेन था ना, आई थिंक वो भी एक जादुई ताकत से हरिकेन तूफान आया था। तो द फ्रंट डोर वाज ब्लॉक्ड, एकदम वो ट्रंक गिरा है और किसी ने फ्रंट डोर बंद कर दिया है। और लकीली देयर आर 3 अदर डोर्स। ओके बट देयर इज़ अ कैच, द फर्स्ट डोर हैज़ अ साउंड डिटेक्टर। अच्छा जी, द क्रीक ऑफ द डोर एंड द रूम विल फिल अप विद गार्लिक। अच्छा सेकेंड डोर हैज़ मोशन डिटेक्टर्स। ओके जो पहला डोर है वो साउंड डिटेक्ट कर लेता है, जैसे ही हल्की सी डोर के ओपन होने की भी आवाज़ आएगी तो भी वहाँ पे गार्लिक्स आ जाएंगे। आई थिंक वैम्पायर गार्लिक से उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है तो आगे इस वजह से गार्लिक आ जाते हैं। और सेकेंड डोर जो है वो मोशन डिटेक्ट कर लेता है, ज़रा सा मूव करेगी वहाँ से तो फौरन पता चल जाएगा कि वो इस डोर से बचने की कोशिश कर रही है। एज सून एज यू गेट इनसाइड अ पावरफुल यूवी लैम्प विल कम ऑन। ओके द थर्ड डोर हैज़ अ टेम्परेचर गार्ड। इफ़ द टेम्परेचर गोज अप होली वाटर विल स्प्रे डाउन फ्रॉम द सीलिंग एंड होली वाटर किल्स वैम्पायर। हुई ट्वाइलाइट मूवी में आपने वैम्पायर देखे होंगे, उनकी बॉडी जो है वो बहुत कोल्ड हुआ करती थी। तो आई थिंक वैम्पायर बहुत कोल्ड होते हैं, तो जब वो होते ही कोल्ड है तो वो वहाँ पे हीट जाएगी ही क्यों और होली वाटर क्यों आएगा। तो मैंने फौरन ही गैस कर लिया और ये है जी हमारे पास राइट ऑप्शन थर्ड डोर। देखते हैं विच डोर शुड कैरी चूज द थर्ड डोर। मैंने बता दिया क्योंकि वो वैसे ही ठंडी उसकी बॉडी है बेचारी, वो क्या उस पर हीट पहुँचेगी। द थर्ड डोर यस द टेम्परेचर गाज वॉन्ट गो अप। कैसे उसका टेम्परेचर गाज ऊपर जाएगा जब वो है ही कोल्ड।
उसकी बॉडी कैरी इज अ वैम्पायर सो शी इज कोल्ड यस 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 और वो बड़े आराम से थर्ड डोर से उसने एस्केप कर लिया. अब नेक्स्ट आने लगी है एक और रिडल, हु इज एन एलियन. इनमें से गेस करें कि कौन है एलियन. देखते हैं. आई थिंक रेड नहीं. शी गॉट एलर्जी टू समथिंग. किस चीज़ उसको एलर्जी हुई है? सिक्स फिंगर्स से एलर्जी. उसकी सिक्स फिंगर्स हैं तो क्या मतलब? मे बी ये सिक्स फिंगर्स वाली लड़की एलियन है या मे बी वो रेड कपड़ों वाली जिसको एलर्जी हुई है. क्या इसकी समझ नहीं आई इस रिडल की, क्या है ये? ओके, अब ये हॉस्पिटल दिखाया गया है और यहाँ पे हु इज़ एन एलियन. इनमें से एलियन कौन है भाई? किसी के सिक्स फिंगर्स तो नहीं है. ये हाथ में इसने क्या पकड़ा हुआ है? जो ये वाइट शर्ट में, आई थिंक ये वाइट शर्ट वाले के हाथ में कुछ है. मे बी यही फिर एलियन होगा. लेकिन ये क्या कर रही है? इंजेक्शन अपने हाथ को क्यों लगा रही है? इट्स फ्लाइंग. ओ, इतनी दूर से नज़र आ ही नहीं रहा था कि ये चीज़ उसके हाथ पे फ्लाई कर रही है. लेकिन मुझे वो चीज़ कुछ जो है ना लग रही थी कि हाँ यहाँ पे कोई मसला है. उसके हाथ में उसने क्यों मोबाइल पकड़ा हुआ है जबकि उसको इंजेक्शन लगने लगा है? तो थोड़ा सा मुझे डाउट था. लेकिन फ्लाई वो दूर से नज़र ही नहीं आ रहा था कि ये फ्लाई हो रहा है. लेट्स सी, फिर से ज़रा देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे. अपने आपको इंजेक्शन लगा रही है ना, वैसे इसको एलियन होना चाहिए. लेकिन इन्होंने दिखाया कि ये इसके हाथ में फ्लाई हो रहा है मोबाइल, तो ये एलियन है. भाई ये क्या अजीब सी लॉजिक है. हमें सब एलियन बताते हैं. इनमें से आई थिंक वो जो जिसने यस ये जो है ना जिसने फ्लेमिंगो को पकड़ा हुआ है उस वो बहुत ही परेशान सा लग रहा है. बाकी सब हैप्पी हैं तो आई थिंक वो ही है. फ्लेमिंगो वाला एलियन होगा. बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है ये एलियन वाली आ रही है हमारे सामने. तो देखते हैं ये हैं क्यों भाई इसको. ओ, इसका बेले बटन नहीं है यार. इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके उनको एलियन बना दिया हुआ है. क्या ये बेल बटन नहीं है? जब एक पिक्चर बनाई जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को कभी जो है बंदा इग्नोर ही कर देता है. तो इस चीज़ को कौन नोटिस करता है कि बेल बटन नहीं है तो वो एलियन हो गया. मे बी वो पिक्चर में बनाना ही भूल गए हो. खैर ओके, ठीक है, आप लोग सही कह रहे हो. आगे चलो. हु इज एन एलियन. अब देखते हैं इनमें से. वाह भी बड़े खुश होके जा रही है. तो इन दोनों में से एलियन कौन है? अच्छा ये भी है. तीन हैं इनमें से और अब हमें बताना है कि इनमें से एलियन कौन है. ओ आह, इट्स जस्ट अ टॉय. मैं मुझे लगा ये कुछ एलियन. ओह, व्हाट्स रॉन्ग विद हर नीज. अच्छा जी, आपको पता है ये मोड़ी भी जिनकी नीज होती है ना वो एलियन होते हैं. अब आप जहाँ पे भी जाएं आपने गौर करना है कि किसी की नीज तो नहीं मोड़ी हुई. अगर किसी की नीज ऐसे आपको थोड़ा सा उसमें डिफरेंस नज़र आए तो आप फौरन समझ जाएं कि ये एलियन ही होगा, कि इसके नीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है. ऐसे नहीं तो वो थोड़ी सी ऐसे होगी ना तो भी वो एलियन होगा. आपको मानना पड़ेगा कि वो एलियन है. अब हमारे सामने आ रहा है वन क्वेश्चन. चकी वाज होम अलोन फॉर द वीकेंड. हिज पेरेंट्स वर अवे ऑन बिजनेस. ही वाज अलाउड टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट गो इन द बेसमेंट. हुई हुई हुई, चकी घर में है अकेला और उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया कि बेसमेंट में ना जाओ. लेकिन देखना वो जाएगा वहीं पे जिस चीज़ से मना किया जाए ना, बस बच्चों ने वही काम करना होता है. ऐसे क्यूरियोसिटी भी होती है चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो कि हाँ मैं इस चीज़ से मना किया तो मे बी वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो. तो देखते हैं कि आगे क्या होने लगा है. बेसमेंट में कोई भूत है, कोई वैम्पायर है या कोई ज़ॉम्बी है? ऑब्वियसली उसने बेसमेंट में ही तो जाना था. जैसे उसके पेरेंट्स गए फौरन वो पहुँचा है बेसमेंट की तरफ. द बेसमेंट वॉज कोल्ड एंड क्रीपी. कुछ कुछ क्रीपी थी. मे बी वहाँ पे कोई होगा, वैम्पायर होगा. ओल्ड ब्रोकन टॉयज थे, ह्यूज वेब ऑन द वॉल थी. फिर क्या होने लगा है कि इन शॉर्ट डस्टी एंड बोरिंग था ये सारा कुछ. उससे कुछ भी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं लगी. सडनली चकी हर्ड अ वॉइस फ्रॉम समवेयर अबव हिम. तो हु वॉज टॉकिंग टू हिम. कौन था जो उससे बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि चकी यू आर नॉट अलाउड डाउन हियर. उसे भी पता है कि इसको मना किया गया कि तुमने बेसमेंट में नहीं जाना. यू आर पेरेंट्स विल बी फ्यूरियस.
जब उन्हें पता चलेगा। प्लीज डोंट टेल देम, वो भी वैम्पायर से बातें शुरू हो गई हैं। आई वॉन्ट टेल देम एनीथिंग, और वैम्पायर कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा इफ़ यू आंसर माय क्वेश्चन। उई क्या क्वेश्चन है उसके, यू कैन हियर एंड कंट्रोल मी बट यू कैन नेवर सी और टच मी, व्हाट एम आई। वो उसे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम मुझे सुन सकते हो लेकिन और कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम कभी मुझे टच नहीं कर सकते, मैं क्या हूँ। ये हो सकता है कि मे बी उसके पेरेंट्स ने वो एक वॉइस रिकॉर्डर रख दिया होगा, क्योंकि इसका आंसर वही बनता है कि आवाज़ को हम टच नहीं कर सकते और सुन सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स अ वॉइस हु विल सर्वाइव ज़ॉम्बी और वेयरवुल्फ। लिफ्ट में दोनों फंसे हुए हैं, एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ है और वेयरवुल्फ फंसा हुआ है, तो कौन बचेगा इसमें से। आई थिंक वेयरवुल्फ, नहीं वो, यस वेयरवुल्फ बचेगा, क्योंकि इस लिफ्ट में जो है ना वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। नॉट अ बिग डील फॉर अ ज़ॉम्बी टू लूज इट, इट्स एट, ओ हो यस वहाँ पे ज़ॉम्बी, यस सही है। मैं नहीं गैस कर सकी थी, मुझे था कि कोई लिफ्ट पे मसला है, उसकी लिफ्ट में ज़ॉम्बी की लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी इशू आ रहा है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही, तो इसके बटन में जो है वो है अभी रेड लाइट है वेयरवुल्फ के, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का तो यहाँ से कोई वास्ता ही नहीं है भाई। ज़ॉम्बी का सर कट जाएगा तो वो फिर भी बच जाएगा, ज़ॉम्बी को कोई इशू नहीं है, उसका सर कट जाए, उसका हाथ कट जाए, उसकी टांग कट जाए। हु इज़ द वेयरवुल्फ, इनमें से कौन वेयरवुल्फ है। यस ये फर्स्ट, यही वाला, ये इसके नेल्स चेक करें, अभी ये आएंगे ना, अभी ये देखें मैग्नीफाइंग ग्लास में, ये चीज़ आ गए ना उसके नेल्स, तो ये ए वेयरवुल्फ है और बी नहीं है, बी नहीं है। वो बड़ा सिंपल सा सादा सा बंदा है, जेल में आया हुआ है प्रिजनर बन के, तो नहीं तुम नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। ओके अब मैं इतनी श्योरिटी से कह रही हूँ, आप देखें हु इज़ अ वेयरवुल्फ। उसने पाँव क्यों दिखाए हैं, वो तो उसके नेल्स दिखाने चाहिए थे, वुल्फ के नेल्स, ऐसे उसके नेल्स होते हैं बड़े बड़े, उसके नेल्स होते हैं, इंसानों के नेल्स भी बड़े ही होते हैं, आप लड़कियों के देखें कितने बड़े बड़े नेल्स होते हैं, वो भी वुल्फ होती है, वेयरवुल्फ बनी हुई होती है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रिडल्स वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, बहुत ज़रूरी होता है भाई, इसको ऑन करेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी नई वीडियो आ गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा ये व्लॉग देखा आपने, नहीं देखा तो क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, ये व्लॉग देखो और एंजॉय करो। बाय बाय।